नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं चंदन सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और मैं आप लोगों को अपने चैनल सी चंदन सिंह पे स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों, जैसा कि अब पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस के कुछ एस्पेक्ट हमने कवर किया था, और उसी चैप्टर को आज मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। तो आज ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीट हो जाएगा, और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोग जो प्रोजेक्ट फिनांस है उसका आप लोग रिव्यू देखोगे कि हाउ टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट फिनांस डिसीजन, एंड ऑल्सो यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फिनांस, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फिनांस। ठीक है, जैसे कि हायर परचेस हो गया आपका, इसमें लीजिंग हो गया, कुछ और भी हैं, ADR, GDR वगैरह, इसके बारे में आप लोग इसमें अच्छे से जानोगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसी को हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त, और लाइक कमेंट जरूर करें, इससे क्या होगा कि अपने वीडियो रैंक करेगी, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा जरूरतमंदों के पास, और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो आप लोग दोस्तों ये कभी मत सोचिएगा कि इसमें कोई मेरा पर्सनल स्वार्थ है, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर मेरा पर्सनल स्वार्थ होता तो मैं इस पे सीधे तौर पे अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा होता, लेकिन मेरे पास एडवर्टीजमेंट करने का दोस्तों कोई भी मोटो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मुझे बस आप लोगों का हेल्प करना है। जो जितने भी लोग हैं, जो निडी लोग हैं, जो पैसे की वजह से अपने पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, और वो YouTube पे जब आते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, कंप्लीट लेक्चर मिलता ही नहीं है, पार्ट्स पार्ट्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा, फुल कंप्लीट मिलेगा। और यहाँ पे जो जरूरतमंद लोग होंगे, वो भी जिनके पास पैसे का अभाव है, वो भी आसानी से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। यही दोस्तों मेरे चैनल का मेन मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर हम लोग अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखो, तो थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट फिनांस क्या है बताओ। देखो, जितने भी लंबे लंबे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फिनांस की जरूरत पड़ती है। अब ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो शॉर्ट टर्म में ही 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें लंबा टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिस फिनांस के हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ फिनांस भी दोस्तों में क्या चाहिए, टर्म लोन टाइप में चाहिए, लॉन्ग टर्म फिनांस में चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि जब प्रोजेक्ट फिनांस, जब हमें पता लग गया कि हाँ हमें फिनांस की जरूरत है, तो अब बात ये आती है कि फिनांस को हम करें कैसे। तो यहाँ पे अपना डिसीजन मेकिंग चलता है। आप चाहे डेट का पार्ट बना लो या उसमें इक्विटी का पार्ट बना लो, तो चाहे आप डेट इनकॉर्पोरेट करो चाहे इक्विटी इनकॉर्पोरेट करो, हर एक सोर्स का अपना अपना रिस्क फैक्टर है मार्केट में। तो उस रिस्क फैक्टर को मार्केट में ध्यान रखते हुए ही हमें प्रोजेक्ट फिनांस को अडॉप्ट करना होता है। दूसरी तरफ अब जो लोग हमें फिनांस दे रहे हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हो गए, इन्वेस्टर वगैरह हो गए, तो इन लोगों का भी तो कुछ मोटिव होगा ना, प्रॉफिट मोटिव। जैसे बैंकों का तो बैंक की चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि आपका बिजनेस जब आपका जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब वो प्रॉफिटेबल होगा, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट और जो अमाउंट है, जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, वो उनका टाइम पे हो जाए। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर होगा, अगर वो आपके कंपनी को फिनांस करेगा, तो उसका भी कुछ डिजायर होगा कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो यहाँ प्रोजेक्ट में केवल हमें यही नहीं देखना होता कि कहाँ से हम लोग सोर्स अरेंज कर रहे हैं, बल्कि इन्वेस्टर को भी और आउटसाइडर जो लेंडर हैं उनके भी मोटिव को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रख के ही हम लोग प्रोजेक्ट फिनांस के डिसीजन को दोस्तों सही साबित करते हैं। ठीक है ना, उसको राइट बनाते हैं। तो इसके अलावा और क्या होगा, देखो जब बैंक लोन देगा तो बहुत से मैटर होंगे, वो सिक्योरिटी भी लेगा, सिक्योरिटी लेगा ना दोस्तों, बिना सिक्योरिटी का थोड़ा ना आपको लोन देगा। दूसरी तरफ अब जो प्रोजेक्ट होगा
गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड होगी। गवर्नमेंट किस सोर्स सेंस में इंटरेस्टेड होगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या उससे इकोनॉमी को कोई बेनिफिट है। इसके अलावा दोस्तों सोशल वेलफेयर भी जरूरी है कि सोशल नीड्स को आप कितना फुलफिल कर पाओगे अपने इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट फाइनेंस के चैप्टर में हमें यही सारी बातें सीखनी है, कुछ भी इसमें अलग कुछ भी नहीं है, यही सारी बातें हमें इस प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने, अब देखो हमने कहां तक देखा था इसको बताता हूं मैं आप लोग, शायद हमने इसे पेज नंबर 14 तक शायद कर लिया था, ये तो हमने कर लिया था ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की केस में, ये भी कर लिया था फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये लेंडिंग पॉलिसी भी हमने देख लिया था, लोन पॉलिसी भी हमने देखा था, ये लोन के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये भी हमने देख लिया था, ये टर्म लोन हमने देख लिया था, ये वारंटी वगैरह ये सारा हमने देख लिया था, ये कन्वेनेंट देख लिया था, ये नेगेटिव कन्वेनेंट देख लिया था हमने। तो हमें आज शुरू करना है यहां से प्रोजेक्ट रिव्यू एंड कंट्रोल। तो अब तक का जो पीछे जो था वहां तक हमने क्या देखा, वहां तक जो मेजर हमने देखा है वो क्या देखा है दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट है उसका फाइनेंसिंग कहां से करोगे, ठीक है ना, लेकिन और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। यहां पे रिव्यू होगा और कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल के अंदर जो होता है ना, हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या प्रोजेक्ट उस मेन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर पा रहा है, यह भी हमें देखना होता है। तो देखो, तो प्रोजेक्ट रिव्यू एंड कंट्रोल में हमें क्या देखना होगा, तो देखो ध्यान से, प्रोजेक्ट रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ। तो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका सक्सेस फेलियर केवल एक कंपनी को ही इंपैक्ट नहीं करेगा बल्कि होल एक इकोनॉमी को इंपैक्ट डालेगा, सोशल वेलफेयर पे भी इंपैक्ट डालेगा। तो इसमें केवल ऐसा नहीं होता कि केवल जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हीं का हित होता है, इसमें ओवरऑल सबका हित होता है। तो देखो, इवन प्रोजेक्ट डेट आर वेल डिजाइन कंप्रीहेंसिवली प्लान्ड फुली रिसोर्स एंड मेटिकुलसली एग्जीक्यूटेड विल फेस चैलेंजेस। तो ये सब गुण दोस्तों होने के बावजूद भी चैलेंज तो फेस हमें करना ही पड़ता है। दिस चैलेंज कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये कभी भी हो सकता है ना। एंड प्रोजेक्ट टीम मस्ट वर्क टू कॉन्टिन्यूली रिविजिट द डिजाइन। तो फिर प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, जब चैलेंज फेस होगा तो वो क्या करेंगे, डिजाइन का कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रिविजिट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे प्रोजेक्ट को टू कंफर्म दे आर वैलिड एंड टू डिटरमाइन वेदर करेक्टिव एक्शन नीड टू बी टेकन व्हेन द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट डिजाइन एंड इट्स प्लान। तो वो क्या करेंगे, डिजाइन प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट को रिविजिट करेंगे जिससे कि वो ये कंफर्म कर पाए कि जो भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है प्रोजेक्ट का, क्या वो जो डिजाइन एंड प्लान, जिस हिसाब से हमने डिजाइन और प्लानिंग किया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो डेविएशन कितना है। और जब डेविएशन एक बार आपको पता लग गया तो फिर आप लोग क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे ताकि उस डेविएशन को आप लोग दूर कर पाओ। तो दिस इज पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड कंट्रोल फेज। और यही पर्पज है आपका प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग का, इवेल्युएशन का और कंट्रोल फेज का, ठीक है। तो देखो, थ्री प्रिंसिपल कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड कंट्रोल फेज आर, बताओ क्या क्या, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल। अब देखो, डिफरेंशिएटिंग मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड कंट्रोल कैसे करोगे आप लोग, डिफरेंशिएट बता दो। तो देखो, सबसे पहले आप लोग देखोगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में क्या करोगे, मॉनिटरिंग में तो दोस्तों हमें यही देखना होगा ना कि प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं करना है। तो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग ट्रैक द ऑपरेशनल वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट,
क्या जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल है या नहीं है। तो इट आंसर लाइक क्या कि हैव एक्टिविटी बीन कंप्लीटेड एज प्लान्ड, कि जो भी एक्टिविटी जैसा कि आपने प्लान किया था क्या उसी हिसाब से कंप्लीट हुआ है। हैव आउटपुट बीन प्रोड्यूस एज एंटीसिपेटेड, जैसा कि हमने एंटीसिपेट किया था कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा, तो क्या इस प्रोजेक्ट प्लान से उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। इज द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिंग एज प्रोजेक्टेड, और जैसा कि हमने प्रोजेक्ट किया था क्या प्रोजेक्ट का वर्क उसी हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है। तो एट इट्स कोर द गोल ऑब्जेक्टिव टाइमिंग एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस मॉनिटरिंग आर परहैप्स बेस्ट आइडेंटिफाई विया द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जान लेंगे। तो देखो कैसे, द व्हाट व्हाई व्हेन एंड हाउ ऑफ मॉनिटरिंग, द व्हाट व्हाई व्हेन एंड हाउ ऑफ मॉनिटरिंग। देखिए व्हाट, तो व्हाट में आप लोग क्या देखोगे, व्हाट में क्या देखोगे, अ कंटीन्यूअस रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड एक्टिविटी एंड आउटपुट लेवल आइडेंटिफाई नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। तो यहां पे व्हाट में क्या करोगे, कंटीन्यूअस रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट का, और अगर कुछ भी आइडेंटिफाई आपने किया है आउटपुट लेवल में कुछ कमियां, तो करेक्टिव एक्शन लोगे। व्हाई, क्यों करोगे, तो एनालाइज करना है आपको करंट सिचुएशन, आइडेंटिफाई करना है इशू, और फाइंड करना है सॉल्यूशन, डिस्कवर करना है आपको ट्रेंड एंड पैटर्न, एंड कीप प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन शेड्यूल, कि जो टाइम आपने डिटरमाइन किया था उसी टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। मेजर प्रोग्रेस अगेंस्ट आउटपुट, तो जैसे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसी हिसाब से आप लोग प्रोजेक्ट के को मेजर करोगे। मेक डिसीजन अबाउट ह्यूमन, और डिसीजन लो ह्यूमन के लिए, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्स के लिए। व्हेन, तो कब, तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा। कैसे होगा दोस्तों, कंटिन्यूअस बेसिस पे। एंड हाउ, हाउ में क्या, फील्ड विजिट रिकॉर्ड रिपोर्ट, तो कैसे करोगे, तो आप लोग फील्ड विजिट करो, रिकॉर्ड को चेक करो, उसके ऊपर रिपोर्टिंग को, रिपोर्टिंग दो मैनेजमेंट को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग मॉनिटर करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है दोस्तों। होप सो समझ में आया हो। आगे देखिए, प्रोजेक्ट कंट्रोल, ये जो चैप्टर है ना पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको आप थ्योरी समझने की भूलना करना। तो देखो, प्रोजेक्ट कंट्रोल में इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग द सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू मैनेज वेरिएंसेस बिटवीन द प्रोजेक्ट प्लान इन टर्म ऑफ स्कोप कॉस्ट शेड्यूल एटीसी। तो कंट्रोल में क्या करोगे दोस्तों, आप लोग एक सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एस्टेब्लिश करोगे टू मैनेज, क्या मैनेज करोगे, वेरिएंस जो भी अराइज हो आपके प्रोजेक्ट प्लान में एंड रियलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। एक तो आपने जो प्रोजेक्ट का प्लान किया था स्कोप कॉस्ट और शेड्यूल के बेसिस पे, और साथ साथ जो प्रोजेक्ट आपने इंप्लीमेंट किया था रियलिटी में, इन दोनों के बीच में प्लांड और रियलिटी की जो इंप्लीमेंटेशन है उसके बीच में क्या क्या वेरिएंस है, उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग हाउ प्रोजेक्ट वेरिएंस एंड चेंजेस आर मैनेज्ड। तो यहां पे ये भी इन्वॉल्व होगा कि किस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट वेरिएंस और चेंजेस को मैनेज करोगे, डॉक्यूमेंटेड करोगे और कम्युनिकेट करोगे विद स्टेक होल्डर, विद स्टेक होल्डर, इसके साथ दोस्तों स्टेक होल्डर के साथ में, ठीक है दोस्तों, स्टेक होल्डर के साथ में। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन में मेन क्या देखोगे आप लोग, तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज डन टू चेक वियबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इन लॉन्ग रन। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन आप लोग क्यों करते हो दोस्तों, आप लोग ये देखते हो कि लॉन्ग रन में प्रोजेक्ट की वियबिलिटी क्या है, उसका सक्सेस रेट क्या होगा, ठीक है ना, ये हमें देखना है। आगे देखो, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका प्रोजेक्ट रिव्यू एंड कंट्रोल। चलिए अब अगला आता है आपका सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखो दोस्तों, अब मेन बात क्या है ना, मेन बात क्या है कि जो प्रोजेक्ट होगा
बाकी चीज तो आपने देख लिया, लेंडर का बेनिफिट देख लिया, इन्वेस्टर का बेनिफिट देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट आपने देख लिया, ओनर्स का बेनिफिट देख लिया, गवर्नमेंट का बेनिफिट आपने देखा, तो क्या केवल वहीं तक काम होगा? नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो सोशल बेनिफिट होती है, तो प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी करना उतना ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सिस्टमेटिक एंड कोहेसिव मेथड टू सर्वे ऑल द इम्पैक्ट कॉस्ट बाय अ प्रोजेक्ट, ऑल द इम्पैक्ट कॉस्ट बाय अ प्रोजेक्ट। ओके, देखिए, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सिस्टम एंड कोहेसिव मेथड टू सर्वे ऑल द इंपैक्ट कॉस्ट बाय द प्रोजेक्ट। तो देखो इसमें क्या होगा, इट कंप्राइजेस नॉट जस्ट द फाइनेंशियल इफेक्ट। तो इसमें केवल फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं देखा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, डायरेक्ट बेनिफिट लाइक टैक्स एंड फी टीसी, बट ऑल द सोशल इफेक्ट। तो हमें सोशल इफेक्ट भी देखना होगा, लाइक पोल्यूशन, सेफ्टी, इनडायरेक्ट लेबर मार्केट, लीगल एस्पेक्ट, टीसी, ये सब चीज देखना होगा। द मेन एम ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज टू अटैच अ प्राइस टू एज मेनी इफेक्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू मेनली वे दी अबव मेंशन हेट्रोजीनियस इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट हमें देखना होगा। तो देखो, मेजर एडवांटेज ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आर डेट इट इनेबल इन्वेस्टर टू सिस्टमेटिकली एंड कोहेसिवली कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखिए इसमें क्या होता है, द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैलकुलेट डायरेक्ट प्राइमरी एंड इनडायरेक्ट सेकेंडरी एंड एक्सटर्नल इफेक्ट। तो देखो, डायरेक्ट इफेक्ट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट। अब बात करोगे ना डायरेक्ट इफेक्ट की, तो क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट डेट कैन बी डायरेक्टली लिंक टू द ओनर या यूजर ऑफ द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है ना, वो किसको लिंक करता है, डायरेक्टली लिंक करता है प्रोजेक्ट का जो यूजर है, जो प्रोजेक्ट का जो ओनर है। ठीक है, दैट इज द यूजर एंड ओनर ऑफ बिल्डिंग और हाईवे। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इफेक्ट का। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट दैट आर पास्ड ऑन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आउटसाइड द मार्केट। तो यहां पे दोस्तों, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है, ये किसको जाता है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जाता है जो आउटसाइड द मार्केट है। With which project is involved, जहां पे project आपका involved होता है, e.g. owner of a bakery nearby the new building, तो new building के पास bakery का owner, या business company located near the newly planned highway, या कंपनियां जो locate होंगी planned highway के आसपास में। तो दोस्तों, इनको भी देखना होता है, ठीक है ना। तो जो भी project आप undertake करोगे, देखो उसका तो डायरेक्ट बेनिफिट है ही ओनर से, लेकिन उस प्रोजेक्ट के चलते, जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनाया, तो ये हाईवे जो बनाया, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो गवर्नमेंट के तरफ जाएगा कि उसका कितना बेनिफिट मिलता है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना जाएगा, जो होटल्स खुलेंगी रोड के साथ में, जो कंपनियां खुलेंगी रोड के साथ में, जो समझ गया ना, तो इनको क्या बेनिफिट होने वाला है, वो हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट इफेक्ट में देखना है। और एक्सटर्नल इफेक्ट आर दी कॉस्ट एंड बेनिफिट डेट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू एनी एग्जिस्टिंग मार्केट। ये वो कॉस्ट एंड बेनिफिट है जो कि किसी एग्जिस्टिंग मार्केट को पास नहीं किया जाता, बिकॉज दे रिलेट टू इशू लाइक एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि ये इशू वो इशू है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन हो गया, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सेफ्टी, जैसे ट्रैफिक हो गया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया, एंड नेचर, तो बायोडाइवर्सिटी एंड डिहाइड्रेशन ईटीसी। तो ये सब दोस्तों इसके इफेक्ट होते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट के। कितने बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट हो गए दोस्तों, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल हो गया आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, इनडायरेक्ट हो गया
जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है, और डायरेक्ट हो गया आपका ओनर से रिलेटेड। तो देखो, द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आर, तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो मेन रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो रिजल्ट क्या है देखिए ध्यान से, एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ कंपेयरिंग द डिफरेंट इफेक्ट। ये एक इंटीग्रेटेड तरीका है डिफरेंट इफेक्ट को पहचानने का। तो देखो, ऑल रेलिवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन आर आइडेंटिफाइड एंड मोनिटाइज एज फार एज पॉसिबल। हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मोनेटरी टर्म में मेजर करेंगे, ठीक है। इफेक्ट डेट कैन नॉट बी मोनिटाइज आर डिस्क्राइब एंड क्वान्टिफाइड एज मच एज पॉसिबल। तो जिस इफेक्ट को आप लोग, याद रखिएगा दोस्तों, जिस इफेक्ट को आप लोग मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, तो उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है और क्वांटिफाइड करना है। तो भले ही मोनेटरी टर्म में ना पाओ, तो कम से कम उसका क्वांटिफिकेशन जरूर से जरूर, क्वांटिफिकेशन उसका दोस्तों जरूर से जरूर आपको करना होगा। फिर देखिए, अटेंशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, अटेंशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो देखिए, द बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट डू नॉट ऑलवेज गेट टू द ग्रुप बियरिंग द कॉस्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट होता है, ये केवल उन्हीं को नहीं जाता है जो कॉस्ट बियर करते हैं। ए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस गिव इनसाइट इन हु बियर द कॉस्ट एंड हु डिराइव द बेनिफिट। जबकि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या करता है, वो इन चीजों में प्रकाश डालता है कि कॉस्ट किसने बियर किया है और बेनिफिट किसको मिल रहा है। तो कंपेरिजन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव, और प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव का आप क्या करोगे दोस्तों, कंपेरिजन करोगे। तो देखो, ए सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ गुड मेथड टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और वो क्या करता है, एक हमें वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देन कम्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अब सोशल कॉस्ट बेनिफिट आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को भी दिखाता है। तो देखो, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सेवरल मेथड टू टेक इकोनॉमिक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इनटू अकाउंट एंड द पॉलिसी डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड रिस्क। और जो भी आपका पॉलिसी डिसीजन होगा, तो यहाँ पे जो रिस्क आप कैलकुलेट करोगे उसी के बेसिस पे होगा। तो सोशल कॉस्ट का आ गया समझ में। एक तो ये क्या करता है कि जो भी डिफरेंट इफेक्ट होता है उसको मोनेटरी टर्म में मेजर करो, जो मोनेटरी टर्म में मेजर नहीं होता है उसको कम से कम डिस्क्राइब और क्वांटिफाई कर लो। फिर क्या करता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट का मेन चीज चेक करो कि किसने कॉस्ट बियर किया है, किसने बेनिफिट किसको आ रहा है। और फिर प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव का आप क्या करोगे, इसका कंपेरिजन करोगे और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे। उसके बाद अनसर्टेनिटी रिस्क को आप चेक करोगे और इसके अंदर रिस्क के बेसिस पे ही प्रोजेक्ट डिसीजन को तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आपका प्रोजेक्ट रिव्यू एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आया समझ में। अब आइए डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फिनांस, ठीक है ना। तो अब ये जो एरिया आ रहा है, ये बिल्कुल अलग है, ये अलग अलग सोर्स हैं। ये तो आप लोग खुद से भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा खैर, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार लोगों को बता ही देता हूं। डिफरेंट सोर्स ऑफ फिनांस देखो, टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक होता है ना। तो देखिए, टर्म लोन इज ए लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड डेट, बात सही है, एक्सटेंडेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर कैरिंग आउट देयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मैच्योरिंग बिटवीन 5 to 10 ईयर, विच इज नॉर्मली रिपेड इन मंथली और क्वार्टरली इक्वल इंस्टॉलमेंट। दे आर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनांस पेड इन इंस्टॉलमेंट गवर्न बाय लोन एग्रीमेंट एंड कन्वेनेंट, ठीक है ना, कन्वेनेंट सॉरी, ठीक है। तो कवेनेंट क्या है, रूल्स एंड पॉलिसी है कुछ, तो कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। तो देखते हैं, हमने पढ़ा था ना उस दिन लास्ट वाली क्लास में, देखो, ऑल द कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय प्रोमोटर और इक्विटी शेयर इशू, बात बिल्कुल सही है कि भैया जो भी सोर्स चाहिए, अब वो केवल इक्विटी वाले ही थोड़ा ना पूरा कर पाएंगे। एंड दैट इज वेयर द टर्म लोन केम इन टू पिक्चर, और यहीं से टर्म लोन पिक्चर में आता है। तो टर्म लोन और प्रोजेक्ट फाइनेंस इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस फॉर ए कंपनी नॉर्मली एक्सटेंडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर टू मैक्सिमम अराउंड 10 ईयर, ठीक है।
एक जो कॉमन फीचर विच हेल्प मैनेजमेंट इन एल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट इक्विटी बाय टर्म लोन इज द लॉन्गर टर्म ऑफ द लोन। ये क्या होता है? लॉन्गर टर्म होता है। फिर देखो, टर्म लोन क्या होता है? इस टाइप ऑफ फंडिंग विच इज मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट। तो किसके लिए सुटेबल होगा? जहां पे भी हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, विच इज नॉट पॉसिबल बाय इंडिविजुअल प्रोमोटर। तो ये इंडिविजुअल प्रोमोटर के द्वारा इतना पैसा अरेंज कर पाना इतना आसान नहीं होता। एंड बिग प्रोजेक्ट के नॉट बी कंक्लूडेड इन ईयर और टू, क्योंकि बिग प्रोजेक्ट को आप एक या दो साल में तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इल रिटर्न फ्रॉम देम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इज रिक्वायर्ड। और इस प्रोजेक्ट से, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से अगर आपको रिटर्न अगर जनरेट करना है तो इसके लिए परस्पेक्टिव भी आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो सच बिग वेंचर आर नॉर्मली फाइनेंस्ड बाय बिग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये बिग बिग जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये बड़े बड़े जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये लोग फिनांस करते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इज टू लार्ज, अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो सेवरल बैंक कम टूगेदर एंड फिनांस इट। तो दो तीन बैंकें मिल करके फिनांस करती हैं। एंड सच टाइप ऑफ टर्म लोन इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंजोर्टियम लोन। क्या बोलते हैं? कंजोर्टियम लोन, जहां पे सब लोग मिल के प्रोवाइड करते हैं और जो भी इनकम होगा वापस में बांटेंगे। तो टर्म लोन इज एक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप लोग एक्वायर करोगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए। आई बात समझ में दोस्तों? तो हियर ऑल द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट इज नॉर्मली वेरी ह्यूज। यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है। तो लैक ऑफ ऑप्शन ऑफ फंडिंग फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ इक्विटी एटीसी फॉर एनी रीजन इज ऑल्सो डायरेक्ट कंपनी टू गो फॉर टर्म लोन। अगर कंपनी के पास मान के चलो अदर सोर्स या इक्विटी की तरफ कोई ऑप्शन ही ना हो फिनांस का, तो भी कंपनी क्या करती है? टर्म लोन की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, आगे देखो। अब आता है फाइनेंशियल लिवरेज एंड टर्म लोन। बिल्कुल सही बात। तो देखो, जब टर्म लोन लेके आओगे तो फाइनेंशियल रिस्क तो दोस्तों अराइज होगा ही, और जो फाइनेंशियल रिस्क होता है उसी को तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो क्या रिस्क आएगा? मेन यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डर का जो होल्डिंग है उस पर ज़्यादा इम्पेक्ट दोस्तों नहीं आना चाहिए। और ज़्यादा डेट का पार्ट बनाओगे ना तो फिर जो शेयर होल्डर होंगे उनका रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, वो रिस्क ज़्यादा बियर करेंगे तो फिर उनके रिटर्न को मैक्सिमाइज करना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। तो देखो, एट टाइम्स इम्पोर्टेंट रीजन फॉर सेटिंग टर्म लोन इज फाइनेंशियल लिवरेज और ऑप्टिंग डेट फाइनेंस लाइक टर्म लोन। अ कंपनी ट्राई टू मैग्निफाई द रिटर्न टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, दिस सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अचीव द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयर होल्डर एंड ऑल्सो प्रिजर्व द कंट्रोल एंड शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देख रहे हो ना, तो कंट्रोल शेयर तो रखना ही होता है, प्लस में शेयर होल्डर को वेल्थ मैक्सिमाइज भी करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में देना होता है। क्योंकि देखो, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका एक हद तक टैक्स सेविंग इम्पैक्ट दोस्तों मिलता ही है, तो उससे कंपनी का वेल्थ इंक्रीज होता है। फिर आगे देखो, फीचर्स ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन के फीचर्स क्या क्या होती हैं ये बताओ। ये मेरे को पढ़ाने की चीज़ है मेरे लायक, आप ही बताओ। है नहीं ना, लेकिन चलो देख लेते हैं। लोन इन एनी करेंसी, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको किसी भी करेंसी में लोन मिल जाएगा। आप होम में भी ले सकते हो, फॉरेन में भी ले सकते हो। ठीक है, तो होम करेंसी लोन आर ऑफर नॉर्मली फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, टेक्निकल नो हाउ। जबकि फॉरेन करेंसी लोन आर ऑफर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्टन प्लांट एंड मशीनरी, पेमेंट ऑफ फॉरेन कंसल्टेंसी फी ETC। सिंपल है, सिक्योर्ड लोन। तो भैया टर्म लोन क्या होता है? सिक्योर्ड तो होता ही है, इसके अगेंस्ट में आप लोग क्या करते हो? सिक्योरिटी देते हो। तो टर्म लोन कम अंडर सिक्योर्ड कैटेगरी ऑफ लोन। टू काइंड ऑफ सिक्योरिटी आर देयर। पहला क्या होता है? प्राइमरी एंड कोलेट्रोल। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी तो दोस्तों वो खुद आपका एसेट है जो आप परचेस कर रहे हो, जो आप परचेस कर रहे हो। आपको पता ना, जो एसेट परचेस करते हो जब तक लोन पे नहीं करते हो उसका ओनरशिप आपके हाथ में नहीं होता है, खाली आपके पास यूजेबिलिटी राइट होता है, आप खाली उसको यूज करते हो। ओनरशिप तो तब ट्रांसफर होती है जब आप पूरी तरीके से उसको लेके आ जाओगे। यूजिंग द लोन अमाउंट एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी द चार्ज ऑन अदर ऑफ द बोरोवर। और कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे क्या होता है?
कि अदर कोई ऐसे जैसे बिल्डिंग या स्टॉक को हाइपोथिकेट कर दिया, डेटर को हाइपोथिकेट कर दिया, तो वो जो उसके ऊपर ब्रोवर का चार्ज होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको सेल करोगे तो सबसे पहला राइट जो होगा वो राइट ब्रोवर का होगा। देन कम्स लोन इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे पेमेंट कैसे होती है, डन इन इंस्टॉलमेंट, एंड दिस इंस्टॉलमेंट कवर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, हुआ क्लियर, पढ़ लोगे बाकी, चलो बाकी पढ़ लेना आसान है। मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी क्या है, नॉर्मली टर्म लोन इज रैंकिंग बिटवीन 5 to 10 ईयर, तो 5 से 10 साल का होता है, तो फोरकास्टिंग फॉर मोर देन 10 ईयर इन द करंट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, तो 10 साल का फोरकास्ट करना करंट बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लोन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना पड़ेगा ना बोरोवर एंड बैंक रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोन विच इज साइंड बाय बोरोवर एंड इज प्रिजर्व्ड विद द बैंक, और बैंक के साथ हम प्रिजर्व करते हैं। फिर आता है आपका लोन कोविनेंट, तो कोविनेंट आर पार्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट, ठीक है, दे आर सर्टेन इंस्टॉलमेंट इन द एग्रीमेंट विच स्टेट सर्टेन डू एंड डोंट फॉर द कंपनी, यहाँ पे डू एंड डोंट होता है, तो दे आर नॉर्मली रिलेटेड टू यूज ऑफ एसेट, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, कैश फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, एंड दे आर पॉजिटिव अफर्मेटिव और नेगेटिव इन नेचर, तो कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या कि कुछ कंडीशन बताता है कि किस तरीके से कंपनी को काम करना है, और नेगेटिव में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया थी जैसे कि डिविडेंड आपको नहीं बांटना, कमीशन वगैरह डायरेक्टर को नहीं देना है, आप कोई एसेट को बिना परमिशन के सेल नहीं कर पाओगे, तो ये सब कुछ नेगेटिव कोविनेंट होती है ना। अब हम पढ़ेंगे लीजिंग एंड हायर परचेस आर करेंटली सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंस, अब लीज और हायर परचेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए लीज फाइनेंस, लीज फाइनेंस क्या होता है, लीज फाइनेंस क्या होता है, ये दोस्तों एक सेकंड में मैं देखिए लीज फाइनेंस, तो लीज में दोस्तों क्या होता है बताइए, लीज के अंदर पीरियोडिक पेमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ए रेंटल, ठीक है, और यहां पे जो लेजर होता है ना वो राइट देता है किसको, लेजी को, लेजी को राइट देता है एसेट को यूज करने के लिए। और ये जो लीज जो होता है ना ये दो टाइप का होता है, फाइनेंसिंग लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, तो एक के अंदर तो रिस्क ट्रांसफर कर दिया जाता है और दूसरे में रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है, तो यही मेजरली हमें देखना है। देखो लीज रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वेयर बाय लेजर ग्रांट द लीज द राइट टू यूज एन एसेट इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक लीज रेंटल पेमेंट, व्हाइल लीजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनिमल हैव बीन नोन फॉर टाइम्स इमेमोरियल, द लीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन पर्टिकुलरली ऑन द इंडियन सीन, सो देयर आर टू ब्रॉड टाइप, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, और इसी का हमें फीचर्स देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। देखो फिनांस लीज, बोल दे रहा हूँ कुछ भी नहीं है, चैप्टर खत्म, इसमें बस यही सब है, बस अब बातें बस पढ़ोगे छोटी मोटी जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। देखो मेजर चीज़ आप पढ़ चुके, फिनांस लीज और कैपिटल लीज इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ बोरोइंग, इट्स सेलियंट फीचर आर अननेसेसरली बस स्टडी मेरिट को बढ़ाया हुआ है, इट इज एन इंटरमीडिएट टर्म टू लॉन्ग टर्म नॉन कैंसिलेबल अरेंजमेंट, ठीक है, तो फाइनेंस लीज में क्या होता है, ये टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म होता है जो कि नॉन कैंसिलेबल होता है, तो ड्यूरिंग द इनिशियल लीज पीरियड रेफर टू एज प्राइमरी लीज पीरियड एंड विच इज यूजली 3 ईयर और 5 ईयर और 8 ईयर, द लीज कैन नॉट बी कैंसल, तो यहाँ पे आप लोग इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, पेमेंट तो आपको करते रहना होगा।
द लीज इज मोर और लेस फुली अमोटाइड ड्यूरिंग द प्राइमरी लीज पीरियड। तो ये लीज जो होता है प्राइमरी पीरियड में ही दोस्तों क्या होता है अमोटाइज हो जाता है। दिस मीन्स डेट ड्यूरिंग दिस पीरियड द लेसर रिकवर थ्रू द लीज रेंटल। इसका मतलब जो लेसर होता है वो लीज रेंटल के रूप में रिकवर करता है हिज इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट अलोंग विद एन एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, तो जो भी इन्वेस्टमेंट वो करता है अपने इक्विपमेंट के अंदर तो उस पर एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न जो भी मिलेगा प्लस में लीज रेंटल के तौर पर रिकवर करेगा। दस फाइनेंस लीज ट्रांसफर सब ट्रांसल ऑल द रिस्क एंड इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ टू द लेजी। तो फिनेंशियल लीज के अंदर याद रखिएगा यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड जो भी होता है वो लेजी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जबकि जानते हो फिनेंशियल लीज में एक ऑप्शन और भी होता है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड अगर लेजी चाहे तो इस एसेट को बाय भी कर सकता है। तो देखो द लेजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ठीक है, तो देखो द लेजी यूजुअली एंजॉय द ऑप्शन फॉर रिन्यूइंग द लीज फॉर फर्दर पीरियड सब्सटेंशियल रिड्यूस लीज रेंटल या एक्सटेंड कर लो या फिर बाय कर लो। फिर देखो नाउ कम्स द ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज कैन बी डिफाइंड एज लीज अदर देन फिनांस लीज। तो फिनांस लीज को अगर हम छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा। द सेलिएंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज आर, क्या ऑपरेटिंग लीज का फीचर्स होता है बताओ। द लीज टर्म इज सिग्निफिकेंटली लेस देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। तो जो भी लीज टर्म होता है वो क्या होता है इक्विपमेंट के इकोनॉमिक लाइफ से लेस होता है। एंड द लेसी एंजॉय द राइट टू टर्मिनेट द लीज एट शॉर्ट नोटिस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट पेनल्टी। ठीक है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट पेनल्टी। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। द लेसर यूजुअली प्रोवाइड द ऑपरेटिंग नो हाउ। तो लेसर यहां पे क्या प्रोवाइड करता है आपको ऑपरेटिंग नो हाउ प्रोवाइड करता है एंड द रिलेटेड सर्विसेस एंड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो लेसर यहां पे क्या करता है आपको नो हाउ देता है, रिलेटेड सर्विसेज देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इंश्योरिंग का एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट का। सच एन ऑपरेटिंग लीज इज कॉल्ड ए वेट लीज। इसको हम क्या बोलेंगे वेट लीज बोलेंगे। एन ऑपरेटिंग लीज वेयर द लेसी बियर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग एंड मेंटेनिंग द लीज इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज ड्राई लीज। ठीक है, आई बात समझ में। तो लेसर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इक्विपमेंट को मेंटेन करने का तो उसको हम लोग वेट लीज बोलेंगे। लेकिन अगर लेसी खुद कॉस्ट को बियर करेगा और मेंटेन करेगा इक्विपमेंट को तो इसको हम बोलेंगे ड्राई लीज। तो की फीचर ऑफ लीज फिनांस इन इंडिया देखो क्या है, मोस्ट लीज इन इंडिया आर फिनांस लीज नॉट ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ऑपरेटिंग ज्यादा प्रचलन में ही नहीं है। और वैसे भी दोस्तों एक मिनट आपको बता दूं इनकम टैक्स जो बात करता है ना वो ऑपरेटिंग लीज की तो बात ही नहीं करता और फिनेंशियल लीज की बात करता है। फिर देखो लीज फिनांस इज अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिएबल परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एंड लीज फिनांस इज अवेलेबल इन स्मॉल वॉल्यूम, देयर इज ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चरिंग लीज फिनांस एंड लीज ऑफ इमूवेबल एसेट इज नॉट पॉसिबल बाय बैंक, या बैंक से नहीं मिलता। एंड लीज टेनर अप टू 8 ईयर इज अवेलेबल। ठीक है, चलिए हायर परचेस। हायर परचेस तो देखो मेन फीचर ऑफ हायर परचेस, तो हायर परचेस में दोस्तों क्या होता है बता दो यहां पे क्या होता है कि एक डाउन पेमेंट आप पे करते हो, डाउन पेमेंट आप पे करते हो। ठीक है, किसको, वेंडर को। डाउन पेमेंट पे करने के बाद एसेट को आप लेके चले जाते हो, साथ ही साथ आप लोग एक स्पेसिफाइड डेट पे आप लोग इंस्टॉलमेंट एंड जो भी इसका इंस्टॉलमेंट होगा वो आप लोग पे करोगे। और जब एसेट का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो पे करने के बाद आपको इस एसेट का ओनरशिप मिल जाता है। तो वैसे देखो यूज का तो फुली राइट आपका ही है, आपका ही है। और इसका रिस्क एंड रिवार्ड भी आपको ही मिला है, रिस्क एंड रिवार्ड भी आपको मिला हुआ है। लेकिन कंप्लीट ओनरशिप आपको कब मिलेगा, यहां पे कंप्लीट ओनरशिप मिलेगा, मतलब कहने का मतलब इसका टाइटल तो आपके पास नहीं होता ना, तो इसका टाइटल आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एसेट। तो देखो द हायरी द काउंटर पार्ट ऑफ लेजर
परचेज दी एसेट एंड गिव इट ऑन हायर टू दी हायरर द काउंटर पार्ट ऑफ दी लेजी. ठीक है, द हायरर पे रेगुलर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एंड दिस इंस्टॉलमेंट कवर इंटरेस्ट एलवेजेस प्रिंसिपल. व्हेन दी हायरर पे दी लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करता है तो फिर क्या होता है बता दो, द टाइटल ऑफ दी एसेट इज ट्रांसफर फ्रॉम दी हायरी टू दी हायरर. तो फिर इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो टाइटल ऑफ द एसेट होता है, जो टाइटल ऑफ द एसेट होता है वो ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है फ्रॉम दी हायरी, ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है फ्रॉम दी हायरी टू द हायरर. ठीक है, तो हायरी से हायरर को ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं. फिर देखिए, द हायर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ए फ्लैट बेसिस. तो हायर चार्जेस इंटरेस्ट कैसे लगाता है, फ्लैट बेसिस पे. दिस मीन्स दैट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजली अराउंड 8% चार्ज ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द हायरी एंड नॉट ऑन द डिमिनाइजिंग बैलेंस. ठीक है, फिर देखो, द टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय हायरी इज अलोकेटेड ओवर वेरियस ईयर्स. तो जो भी टोटल इंटरेस्ट कलेक्ट होगा हायरी के द्वारा उसको वेरियस ईयर में हम अलोकेट कर देंगे. एंड फॉर दिस पर्पज द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इज कॉमनली वेट. देखिए ये कुछ डिफरेंस दिया है, देखो यहाँ पे लीजिंग एंड हायर परचेज. देखो क्या होता है, लेसी कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन. क्यों क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ओनरशिप लेसी के पास नहीं होता बल्कि लेसर के पास होता है. यहाँ पे हायरर क्लेम कर सकता है, केवल इसको ना फाइनल टाइटल नहीं मिला, तो वो तो खाली एक कह सकते हैं आप लोग एक फॉर्मेलिटी है खाली. द एंटायर लीज रेंटल इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर दी लेजी. ये जो लीज जो आप पे करोगे ये क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, एक्सपेंस आपको मिल जाता है. ओनली द इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इज टैक्स डिडक्टेबल. तो जो इंटरेस्ट पे करोगे वो टैक्स डिडक्टेबल हो. द लेजी नॉट बींग द ओनर ऑफ द एसेट डज नॉट एंजॉय द सेल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट. अब लेजी जो होता है ना वो तो कोई एसेट का ओनर होता ही नहीं है. एसेट का जो बचा हुआ वैल्यू होगा जब उसको बेचा जाएगा तो बेनिफिट किसको जाएगा, लेसर को, लेसी को नहीं मिलेगा. जबकि हायरर जो होता है एसेट का ओनर होता है और वही एंजॉय करता है सेल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट. ठीक है, होता है ना, आप 10 साल यूज करके बाइक को बेच देते हो. चलो अब आता है वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि वेंचर कैपिटल होता क्या है, फिर उसके बाद प्राइवेट इक्विटी. ये कुछ इंटरनल लोन वगैरह, कुछ टैक्स सेविंग स्कीम, और उसके बाद आपका ये चैप्टर होता है ठीक है. देखो दोस्तों वेंचर कैपिटल में क्या होता है, देखो अब मैं आपको बताता हूं. अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आप उसी से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, उसके बाद तो बस इसको रीड भी मार लोगे ना तो आपको काम चल जाएगा. देखो क्या होता है वेंचर कैपिटल में, अब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये रिलायंस कंपनियां हो गई, रिलायंस कंपनी को देख लो कितनी बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी को देख लो. तो ये लोग ना, ये लोग देखो अपना बिजनेस तो रन करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ ना इनका जो ध्यान होता है वो मार्केट पे भी टिका होता है. आई बात समझ में, इनका जो ध्यान होता है ना दोस्तों, इनका जो ध्यान होता है ना दोस्तों, ये ध्यान उनका मार्केट पे भी, मार्केट पे भी टिका होता है. तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. तो क्या होता है देखो, जैसे कि मान के चलो मैं और आप मिलके हमने क्या किया, एक स्टार्टअप तैयार किया. तो जो स्टार्टअप होती है ना, स्टार्टअप हमेशा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखती होती है. तो यहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां क्या देखती हैं, ये जो स्टार्टअप है, अरे ये इसका जो आइडिया है जो इस स्टार्टअप का, ये तो आने वाले 3-4 सालों में बहुत ही ज्यादा हिट होने वाला है, बहुत ज्यादा हिट होने वाला है. तो इससे क्या होगा, वो कंपनियां डायरेक्ट एक्सपोजर लेती हैं इस बिजनेस में. तो वो क्या करेंगी, इन्वेस्ट कर देंगी. इन्वेस्ट किस में कर देंगी, इस स्टार्टअप में. और स्टार्टअप इन्वेस्ट किस बेसिस पर करती हैं, स्टार्टअप के ग्रोथ के बेसिस पर करती हैं. किसके बेसिस पे दोस्तों, ग्रोथ के बेसिस पे. तो इससे क्या होता है, मेजर होल्डिंग इस बिजनेस का उनके हाथों में चला आता है और वो कुछ सालों तक उसमें बने रहते हैं, उससे इंटरेस्ट इनकम वगैरह अपना जो भी जनरेट करते हैं
और फिर उसके बाद अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका वेंचर कैपिटल का मेन फंडा। आइए देखते हैं, तो वेंचर कैपिटल इज सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर न्यू बिजनेसेस। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड पुल इन्वेस्टर कैश एंड लोन इट टू स्टार्टअप फर्म। ठीक है ना, ये इन्वेस्टर कैश को किसको देते हैं, स्टार्टअप फर्म को, एंड स्मॉल बिजनेस विद परसीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। स्मॉल बिजनेस के पास क्या होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग स्टार्टअप डेट डू नॉट हैव एक्सेस टू अदर कैपिटल, जिसके पास और कैपिटल के पास वो जा नहीं सकते, एंड टिपिकली एंटेल हाई रिस्क एंड पोटेंशियली हाई रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कमिटेड शेयर कैपिटल टू हेल्प अनकोटेड कंपनी ग्रो एंड सक्सीड। वो हेल्प करती है कि कंपनी ग्रो करे एंड सक्सीड करे, एंड इफ एन एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग टू स्टार्टअप एक्सपेंड बाय इनटू ए बिजनेस बाय आउट ऑफ बिजनेस इन विच ही वर्क टर्न अराउंड और रिवाइटलाइज ए कंपनी वेंचर कैपिटल कुड हेल्प डू दिस। ऑब्टेनिंग वेंचर कैपिटल इज सब्सटेंशियल डिफरेंट फ्रॉम द रेजिंग डेट और लोन फ्रॉम ए लेंडर। वेंचर कैपिटल इन चीजों में दोस्तों क्या करता है, हेल्प करता है। तो लेंडर के पास क्या होता है, लीगल राइट टू इंटरेस्ट लोन होता है, जबकि वेंचर कैपिटल वाले क्या करते हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टेड इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस। जबकि वेंचर कैपिटल में क्या होता है, वो तो स्टो शेयर बाय कर लेते हैं ना मैक्सिमम एज ए शेयर होल्डर। द वेंचर कैपिटलिस्ट रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो क्योंकि ये शेयर होल्डर बन जाते हैं तो कंपनी के ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे ही इनका बिजनेस निर्भर करता है। तो दिस रिटर्न इज जनरली अर्नड व्हेन द वेंचर कैपिटल एग्जिस्ट बाय सेलिंग इट्स शेयर होल्डिंग व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड टू अनदर ओनर। ठीक है ना, तो देखो वेंचर कैपिटलिस्ट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस। एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस में ये लोग प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दिस द डोंट नेसेसरी मेल स्मॉल और न्यू बिजनेस। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा या छोटा बिजनेस है। Whether it is more about the investment aspiration and potential for growth rather than by current size, ठीक है ना, तो ये growth पे focus करते हैं main. Such business are aiming to grow rapidly to significant size. और ये जो जो सब business होते हैं ना, इनका aim कहाँ होता है, growth करने में। As a rule of thumb, unless the business can offer the prospect of significant turnover growth within 5 years, it is unlikely to be interest to venture capital firm. ठीक है, तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आर ओनली इंटरेस्टेड इन कंपनी विद हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। जानते हो जो छोटे टर्म का जो होता है ना, छोटे ग्रोथ टर्म का होता है, तो वहां पे ये लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ये हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में आते हैं। विच आर मैनेज्ड बाय एक्सपीरियंस एंड एम्बिशियस टीम हु आर कैपेबल ऑफ टर्निंग देयर बिजनेस प्लान इनटू रियलिटी, जो कि अपने बिजनेस प्लान को रियलिटी में ढाल पाने में सक्षम है। फिर देखिए, वेंचर कैपिटल फर्म यूजुअली लुक टू रिटेन देयर इन्वेस्टमेंट फॉर बिटवीन 3 and 7 years और मोर। तो कम से कम 3 से 7 साल तो ये लोग रखते ही हैं। एंड टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑफन लिंक्ड टू ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ द बिजनेस। इनका जो टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है दोस्तों, वो बिजनेस के ग्रोथ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो इन्वेस्टमेंट इन मोर मेच्योर ऑफ बिजनेस वेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड क्विकर नेचर ऑफन सोल्ड सूनर देन इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी वेयर इट टेक टाइम टू डेवलप द बिजनेस मॉडल। तो जस्ट एज मैनेजमेंट टीम कम्पीट फॉर फाइनेंस, सो डू वेंचर कैपिटल फर्म। देखो मोस्ट यूके वेंचर कैपिटल फर्म रेज देयर फंड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये है आपका वेंचर कैपिटल फाइनेंस। अब एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना, कोई ज्यादा खास बात तो इसमें है नहीं, बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। नेट देन कम दी प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी क्या है दोस्तों, ये प्राइवेट इक्विटी भी देख लेते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, एक होती है प्राइवेट कंपनियां और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो शेयर्स होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है, ये तो आपको पता ही है, वो ट्रेड होता है मार्केट में। जबकि प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी तो आपको भी पता है, वो हम लोग इशू तो कर नहीं सकते,
तो वो लिस्टेड तो हो नहीं सकता, बात सही है ना। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ना शेयर में प्राइवेट कंपनियों में, इसको को हम जानते हैं प्राइवेट इक्विटी के नाम से, ये पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होता है। ठीक है, तो देखो प्राइवेट इक्विटी इज एसेंशियली अ वे ऑफ इन्वेस्ट, वे टू इन्वेस्ट इन सम एसेट दैट इज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, जो कि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होता, और टू इन्वेस्ट इन पब्लिकली ट्रेडेड एसेट विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग इट प्राइवेट, या फिर पब्लिकली ट्रेडेड एसेट में करते हैं लेकिन इंटेंशन क्या होता है प्राइवेट प्राइवेट के तौर पे। अनलाइक स्टॉक म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड, अनलाइक स्टॉक म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड प्राइवेट इक्विटी फंड यूजुअली इन्वेस्ट इन मोर लिक्विड एसेट। तो जो प्राइवेट इक्विटी होता है ना उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मोर लिक्विड एसेट में, दैट इज कंपनी। इसमें हम क्या करते हैं, बाय परचेसिंग कंपनी, ये बात समझ में। तो प्राइवेट इक्विटी में क्या हो गया, यहाँ पे शेयर वगैरह में आप नहीं इन्वेस्टमेंट करते हो बल्कि डायरेक्ट जाके कंपनी बाय करते हो। तो बाय परचेसिंग कंपनी द फर्म गेन एक्सेस टू दोज एसेट एंड रेवेन्यू सोर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे कंपनियां क्या करती हैं, परचेस करके एसेट एंड रेवेन्यू, कंपनी का जो एसेट एंड रेवेन्यू होता है उसमें गेन एक्सेस कर लेती है, विच कैन लीड टू वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां से कंपनी को, जहां से इनको क्या होगा रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। एन अदर फीचर ऑफ प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन इज देयर एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेट इन फॉर्म ऑफ हाई यील्ड बॉन्ड। ठीक है, बाय यूजिंग डेट टू फाइनेंस एक्विजिशन प्राइवेट इक्विटी फर्म कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज देयर फाइनेंशियल रिटर्न। देखो प्राइवेट इक्विटी कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन फंड डेट मेक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन टू प्राइवेट कंपनी और कंडक्ट बाय आउट ऑफ पब्लिक कंपनी डेट रिजल्ट इन लिस्टिंग ऑफ पब्लिक इक्विटी। ठीक है, तो कैपिटल फॉर प्राइवेट इक्विटीज रेज फ्रॉम रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड कैन बी यूज टू फंड न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सपेंड वर्किंग कैपिटल विद एन ओन्ड कंपनी एंड मेक एक्विजिशन और टू स्ट्रेंथन अ बैलेंस शीट। जनरली द प्राइवेट इक्विटी फंड रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर लाइक एंजल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन विद डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लाइक पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एंड फंड ऑफ फंड ईटीसी। ठीक है, टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी, तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम लोग इस कैटेगरी में बांटते हैं। देखो लीवरेज बाय आउट, लीवरेज बाय आउट, ठीक है, दिस रेफर टू स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच अ कंपनी बिजनेस यूनिट और बिजनेस एसेट इज एक्वायर्ड फ्रॉम दी करंट शेयर होल्डर टिपिकली विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो लीवरेज बाय आउट में क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच अ कंपनी बिजनेस यूनिट ऑफ बिजनेस रिक्वायर फ्रॉम द करंट शेयर होल्डर टिपिकली विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, द कंपनी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन आर टिपिकली मोर मैच्योर एंड जनरेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, देन कम्स द वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल इट इज ए ब्रॉड सब कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी डेट रेफर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड टिपिकली इन लेस मैच्योर कंपनी फॉर द लॉन्च या अर्ली डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देन कम्स द ग्रोथ कैपिटल, तो दिस रेफर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफन माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी डेट आर लुकिंग फॉर कैपिटल टू एक्सपेंड और रिस्ट्रक्चर ऑपरेशन। ठीक है ना, एंटर न्यू मार्केट और फिनांस मेजर एक्विजिशन विदाउट अ चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो देखो दोस्तों अब ये जो तीन टाइप हो गए, ग्रोथ कैपिटल में क्या होगा, वो कंपनियां जो कहां पे देख रही हैं, वो देख रही हैं कि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है, तो वहां पे ग्रोथ देखा जाएगा, ग्रोथ कैपिटल। और वेंचर कैपिटल के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो जो न्यू न्यू कंपनियां जो बनती हैं, जो लॉन्च करने जाती हैं अपने प्रोडक्ट को या बिजनेस को, ये वहां पे लगाया जाता है। और एक होता है लिवरेज बाय आउट, तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये मैच्योर कंपनियों के लिए होता है। ठीक है, मैच्योर कंपनियों के लिए होता है जो कि क्या करते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे मेनली क्या होता है कि देखो
जो एसेट जो एक्वायर करती है ना कंपनियां अपने शेयर होल्डरों के पैसे से, तो उससे बेटर क्या होता है, वो फाइनेंशियल लिवरेज के यूज कर लेती हैं जो कि प्राइवेट इक्विटी वाले प्रोवाइड कर देते हैं। आइए अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी कैसे एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक। फिर प्राइवेट इक्विटी आपका होता है, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट इक्विटी। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट इक्विटी, फर्स्ट 2005 डिस्क्राइब दैट इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट इक्विटी कैन बी डन इन टू वे। कैसे, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट थ्रू अ फंड, या डायरेक्ट इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन प्राइवेटली प्लेस ऑफरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो सच एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, बट इट रिक्वायर अ सर्टेन नो हाउ एंड एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट इक्विटी मार्केट। तो देखो व्हेन इन्वेस्टिंग थ्रू अ फंड वन कैन बी फेस्ड विद प्रॉब्लम ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, एंड दीज एंटरप्रेन्योर हैव ए बेटर नॉलेज अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ द फर्म एंड मार्केट एंड पोटेंशियल रिस्क फैक्टर। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइवेट इक्विटी की अगर बात करोगे तो मेनली क्या होता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। देखो तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड इज ए फिक्स लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या है ये, फिक्स लिमिटेड पार्टनरशिप का फॉर्म है, देयर फोर अर्ली विड्रोवल आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब तुरंत आप इससे बाहर निकल के नहीं जा सकते। मोर ओवर देयर इज ओपन अ सेल रिस्ट्रिक्शन एट नॉट ए प्राइवेट इक्विटी इंस्टॉलमेंट, बल्कि यहाँ पे तो सेल का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जनरली आर लिक्विड, लिक्विड होते हैं, बिकॉज व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी सेल ऑफ फंड शेयर इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट ए सब्सटेंशियल डिस्काउंट ऑन द नेसेसरी वैल्यू ऑफ सेलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो मोस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड आर स्ट्रक्चर एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड आर गवर्न बाय टर्म सेट फॉर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप एग्री। ठीक है, ये लिमिटेड पार्टनरशिप होते हैं और लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है। सच फंड हैव जेनेरिक पार्टनर, क्या होता है, देखो सच फंड हैव जनरल पार्टनर, एक तो होता है जनरल पार्टनर विच रेजेस कैपिटल फ्रॉम कैश रिच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज पेंशन प्लान, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस कंपनी, फाउंडेशन ऑफ एंडोमेंट एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल विच इन्वेस्ट लिमिटेड एज लिमिटेड पार्टनरशिप इन द फंड अमंग द टर्म्स सेट फॉर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर दी फॉलोइंग। तो देखो टर्म ऑफ द पार्टनरशिप, तो सबसे पहले क्या होगा, पार्टनरशिप होगा यूजुअली ये फिक्स लाइफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल, इट इज टिपिकली 10 ईयर प्लस सम नंबर ऑफ एक्सटेंशन। मैनेजमेंट फी, यहाँ पे मैनेजमेंट फी भी लगेगा, तो एनुअल पेमेंट मेड बाय इन्वेस्टर इन द फंड टू द फंड मैनेजर टू पे फॉर द प्राइवेट इक्विटी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन टिपिकली 1 to 2% एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल। तो देखो द प्रोसेस बाय विच द रिटर्न कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर एंड अलोकेटेड बिटवीन द लिमिटेड एंड जनरल पार्टनर। तो दिस वाटरफॉल इंक्लूड्स द प्रेफर्ड रिटर्न, अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न डेट इज 8% विच मच बी अचीव्ड बिफोर द जनरल पार्टनर कैन रिसीव एंड कैरीड इंटरेस्ट एंड द कैरीड इंटरेस्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड द जनरल पार्टनर अबव द प्रेफर्ड रिटर्न इजी 20%, इज इट 20%। ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द फंड, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द फंड। तो देखिए दोस्तों अब आता है, प्राइवेट इक्विटी फंड आर नॉट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर और ट्रेडेड। जो प्राइवेट इक्विटी फंड होती है ना उसको हम ट्रांसफर या ट्रेडेड नहीं करते, हाउएवर दे कैन बी ट्रांसफर टू अनदर इन्वेस्टर, बल्कि ये किसको हम क्या करते हैं, किस और इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो टिपिकली सच ए ट्रांसफर मस्ट रिसीव द कंसेंट ऑफ एंड इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन द जनरल पार्टनर, देखो क्या होता है, द फंड मैनेजर सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ द फर्म फंड।
देखो फंड मैनेजर के पास यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिशन होगा इन्वेस्टमेंट मेक करने का और कंट्रोल करने का अफेयर ऑफ द फंड का। तो हाउ एवर एलपीए, एलपीए क्या होता है दोस्तों बताइए, एलपी क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डज नॉट हैव सर्टेन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एंड इज ओपन लिमिटेड इन टाइप साइज और ज्योग्राफिक फोकस ऑफ इन्वेस्टमेंट परमिटेड एंड हाउ लॉन्ग द मैनेजर इज परमिटेड टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। देन कम्स डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखो ए डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस टू इंडस्ट्री, ये भी एक फाइनेंस का ही पार्ट है। मशीनरी सप्लायर इन इंडिया और ओवरसीज वेयर मशीनरी इज प्रोपोज टू बी इंपोर्टेड में अग्री टू एक्सेप्ट पेमेंट इन शेड्यूल मैनर इन एन इंस्टॉलमेंट इन द पीरियड अहेड ऑफ डिलीवरी। तो डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या होता है, यहां पे मशीनरी जब आप इंपोर्ट करते हो ना बाहर से, तो वो क्या बात होती है कि जो इंस्टॉलमेंट वगैरह जो पे होगा वो डिलीवरी के बाद शुरू होगा, डिलीवरी के बाद पेमेंट करना हम शुरू करेंगे, इसी को हम लोग जानेंगे डेफर्ड पेमेंट से। तो दिस इज नॉन ए डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट विद द मशीनरी सप्लायर, ठीक है। द मशीनरी सप्लायर इन इंडिया अब्रॉड में अग्री टू अबव अरेंजमेंट ऑन सिक्योरिटी विच इज प्रोक्योर्ड इन फॉर्म ऑफ गारंटी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक और रिपोर्टेड रिलायबल अपॉन द मशीनरी सप्लायर। तो गारंटी फॉर डेफर्ड पेमेंट आर ऑफर्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन विज आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई टू फॉरेन मशीनरी सप्लायर एंड ऑल्सो टू इंडिजिनस मशीनरी सप्लायर अगेन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंपनी, फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंपनी। द एप्लीकेशन मेड बाय बोरोवर फॉर फैसिलिटी ऑफ ग्रांटी इज प्रोसेस्ड इन द सेम मैनर एज अप्लीकेबल फॉर लोन। हाउएवर द बोरोवर कंपनी टू बी एबल टू अवेल द फैसिलिटी शुड बी इन पोसेशन ऑफ रिक्विजिट इम्पोर्ट लाइसेंस वेयर द ग्रांटी इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रोड और शुड हैव टाइड अप द फॉरेन करेंसी लोन फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द ग्रांटी फोर्सेस लोन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू सच फॉरेन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आसान है ना। आगे देखो, अब आता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस एंड सिंडिकेशन ऑफ लोन। अब यहां पे कुछ आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है ना, ये तो बस जो टैक्स बेनिफिट मिला है तो मैं मिनटों में आप लोगों को बता दूंगा कुछ खास इसमें। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। देखो लास्ट टाइम तो इसमें से बस एक नंबर का पूछा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एक नंबर का ही पूछे, तो आगे भी इसमें से मैक्सिमम चीजें पूछ सकता है। तो इसके लिए आप लोग बी रेडी, सावधान रहिएगा। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस एंड सिंडिकेशन ऑफ लोन, तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो होता है ना, वो रोल काफी प्ले करता है प्रोजेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर में। देखो इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट द बोरोवर फ्रॉम वन कंट्री में सीक लेंडर इन अदर करेंसी इन स्पेसिफिक करेंसी। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में एक कंट्री का जो बोरोवर होता है ना, वो दूसरे कंट्री के लेंडर से स्पेसिफिक करेंसी में लोन लेता है, और जनरली जानते हो हम क्यों जाते हैं, क्योंकि सोर्स थोड़ा चीपर पड़ता है। विच नीड नॉट बी अ पार्टिसिपेंट कंट्री, तो पार्टिसिपेंट कंट्री जरूरी होता नहीं है। इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी इज अ सॉर्ट अंडर द मेन सिस्टम। तो देखो कैसे, यूरो करेंसी मार्केट, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी, बॉन्ड इशू एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखो यूरो करेंसी मार्केट, तो हियर
फंड आर मेड अवेलेबल एज लोन थ्रू सिंडिकेटेड, यानी कि यूरो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट नोन एज फ्लोटिंग रेट नोट FRN, ठीक है, तो ये फ्लोटिंग रेट के रूप में होता है। इंटरेस्ट रेट वेरी 3 to 6 month बेस्ड ऑन दी लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यानी कि इसको लीवर भी बोलते हैं, लीवर, ठीक है। तो सिंडिकेटेड यूरो क्रेडिट इज अवेलेबल थ्रू इंस्ट्रूमेंट विच टर्म लोन एंड रिवॉल्विंग लाइन फैसिलिटी। ये हमें दो तरीके से अवेलेबल होता है, टर्म लोन के फॉर्म में और रिवॉल्विंग लाइन फैसिलिटी के रूप में, ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी। तो देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल बाय सेवरल कंट्री थ्रू एन इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क इन विच एक्जिम बैंक प्ले अ प्रोमिनेंट रोल, जहां पे एक्जिम बैंक जो था प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया इज प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन फिनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड अदर ऑफशोर डील ठीक है। देखिए इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट प्रोवाइड फैसिलिटी टू रेज लॉन्ग टर्म फंड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द बॉन्ड मार्केट इज जनरली नोन एज यूरो बॉन्ड मार्केट, और इस बॉन्ड मार्केट को हम किस नाम से जानते हैं, यूरो बॉन्ड मार्केट के नाम से। देखो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी होता है ना, ये सारा का एक बार आपको बता देता हूं मैं, ये ना ये आपका और इसका पार्ट होता है यार, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में होता है दोस्तों। जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उसके लिए ये आपको ना कुछ क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिलता है, जिससे कि आपको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। इसमें ड्यूटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो, इसको बेच के किसी और को ट्रांसफर करके इससे प्रॉफिट भी आप लोग अर्न कर सकते हो। जनरली ये एक्सपोर्ट वालों को ही मिलता है, ठीक है। तो आगे देखो यूएन एजेंसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अलाइड एजेंसी IFSCW ADB ETC प्रोवाइड फाइनेंस इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब आता है आपका न्यू इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। जानते हो आपका CS कोर्स क्या है? अब थोड़ा थोड़ा सब चीज के बारे में जान गए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का ना बस ज्ञान रख लो आप लोग, तो फिर ऐसे क्या फायदा, ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा। खाली अगर लॉ ही पढ़ाना है तो पढ़ाते रहो, लॉ पढ़ा के क्या होने वाला है, अगर प्रैक्टिकल कुछ एक्सपोजर मिलेगा ही ये कहाँ से गेन करोगे। इसके लिए आप लोग साइड से बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हो। देखो न्यू इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट स्वैप इज द इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजिंग फंड, ठीक है। तो स्वैप इज द इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजिंग फंड। The basic concept involved in swap is matching of difference between spot exchange rate for a currency and forward rate. And swap rate is the cost of exchanging one currency into another for a specified period of time. So swap rate क्या होता है दोस्तों? वो cost होता है of exchanging one currency into another for a specified period of time. And the swap will represent an increase in value of the forward exchange rate. और स्वैप आपका क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज है। तो स्वैप के थ्रू पता हम क्या करते हैं, यहां से अपना रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और इंक्रीज और रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं। तो स्वैप रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन वैल्यू। अब देखो अब ये अब मैं आप लोगों को अगर फिनांस थोड़ा होता ना आपके फाइनल लेवल में, तो आपको पूरे डिटेल में मैं बताता ये स्वैप्स के थ्रू आप लोग कैसे वर्क करते हो, लेकिन अब यहां पे आप लोग क्या जानोगे, देख पा रहे हो कुछ है इसमें। देखो स्वैप इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, सबको पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्वैप इज मैचिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड करेंसी एंड फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट एक्सचेंज, इसी के बीच में स्वैपिंग करा के हम लोग अपने रिस्क को मिनिमाइज करके रिटर्न बढ़ाते हैं। तो स्वैप रेट इज कॉस्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी टू अनदर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। द स्वैप विल रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, प्रीमियम ऑफ डिक्रीज डिस्काउंट एंड द देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ स्वैप। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप,
करेंसी स्वैप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसमें इंटरेस्ट और करेंसी दोनों ही होती है। क्या होता है कि मार्केट का रेट तो कोई ज्यादा होता नहीं है, उसी के लिए हम स्वैपिंग टेक्निक लगाते हैं। आता है फिर आपका सिंडिकेटेड यूरो करेंसी लोन, सिंडिकेटेड यूरो करेंसी लोन। देखिए, द यूरो करेंसी मार्केट रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर करेंसी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट आउटसाइड द होम कंट्री ऑफ दैट करेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द यूरो डॉलर मार्केट रेफर टू द फाइनेंशियल मार्केट फॉर यूएस डॉलर इन इंग्लैंड, फिनान, जर्मनी, हांगकॉन्ग एंड अदर फाइनेंशियल सेंटर आउटसाइड द यूएस। द यूरो डॉलर बोरोइंग में भी एविडेंस बाय इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट और बाय सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड डिबेंचर और इट में भी सिंडिकेटेड लोन टाइप। ठीक है, सिंपल है ना। तो जो जिस कंट्री का होगा ना करेंसी, तो उससे बाहर जो आप यूज करोगे उसको भी बोलोगे ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंडिकेटेड सिंडिकेशन यानी कि ब्रोवर पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेन, देखो, लार्ज सम्स आर अरेंज विदाउट डिले एंड एट लिस्ट कॉस्ट। एक तो लार्ज सम अरेंज किया जाता है और वो भी कम कॉस्ट पे। गेट्स बेटर इंट्रोडक्शन टू एंटर इनटू इंटरनेशनल लोन मार्केट विदाउट मच डिफिकल्टी। ठीक है, एंड फंड आर मेड अवेलेबल इजली फॉर मीटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट एंड फॉर फाइनेंसिंग लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। द बोरोवर इज अलाउड टू सिलेक्ट द लेंथ ऑफ रोल ओवर पीरियड एंड इन चूजिंग डिफरेंट करेंसी टू रिपे और कैंसिल एग्रीमेंट आफ्टर ए शॉर्ट नोटिस पीरियड विदाउट द पेनल्टी। देखिए फिर, लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इट हेल्प्स द बैंक टू शेयर लार्ज क्रेडिट्स विद अदर बैंक टू फिनांस मैनी बोरोवर। डिफरेंट साइज बैंक कैन पार्टिसिपेट, अलग अलग बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मोर प्रोफिटेबिलिटी टू बैंक एज कॉस्ट आर रिलेटिवली लो एंड सिंडिकेटेड लोन इज अंडर रिटन बाय स्मॉल ग्रुप बैंक विच रिसेल पर्सन ऑफ कमिटमेंट टू अदर। अब आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड इंपैक्ट ऑन दी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जो है दोस्तों, उस पर कॉर्पोरेट टैक्सेशन का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, थोड़ा ये भी जान लो। देख रहा हो ना, एक ही बुक में हर चीज घुसेड़ मारा, कुछ नहीं छोड़ा। चलो देखो, देखिए अब कॉर्पोरेट टैक्सेशन का रोल क्या होगा, आप ही बताओ। अब आप ही सोचो, प्रोजेक्ट अंडरटेक आप क्यों करोगे? प्रोजेक्ट अंडरटेक में अगर आपको टैक्स का कंसेशन नहीं मिलेगा तो आप प्रोजेक्ट क्यों लोगे, अंडरटेक ही क्यों करोगे? तो आपको लगेगा कि हाँ, उसका मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप लोग करेगो ही क्यों? तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो होता है ना, उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, कॉर्पोरेट फिनांस इज द फील्ड ऑफ फिनांस डीलिंग विद फाइनेंशियल डिसीजन दैट बिजनेस इंप्लाइज मेक एंड टूल एनालिसिस यूज टू मेक द डिसीजन। देयर आर थ्री मेथड यूज इन कॉर्पोरेट फिनांसिंग। क्या? एक तो बोरोइंग, इशू ऑफ शेयर एंड रिटेन अर्निंग। जबकि कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो होता है, प्ले विटल रोल इन टेकिंग डिसीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। द प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉ हैव वाइडर इंपैक्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट डील विद प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इज वेदर इट इज फिजिबल टू फंड इन्वेस्ट डेट इक्विटी एज वेल एज टाइम व्हेन डिविडेंड शुड बी पेड टू द शेयर होल्डर। देखो, डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेड और डेट रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, देयरफॉर कंपनी प्रेफर द फंड न्यू पेड आउट ऑफ बोर्ड कैपिटल। अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी? कंपनी प्रेफर करेगी बोरोड कैपिटल। हाउएवर, कंपनी विद लो एक्सपेक्टेड मार्जिन टैक्स देखो हाउएवर ठीक है दोस्तों, देखिए, हाउएवर कंपनी विद लो एक्सपेक्टेड मार्जिनल टैक्स रेट ऑन देयर इंटरेस्ट डिडक्शन आर लेस लाइकली टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। अब आप ही सोच के देखो, अगर मान के चलो
मार्जिनल टैक्स बिल्कुल कम है तो उससे क्या फायदा होगा, मेजर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो टैक्स सेविंग ज्यादा मिलेगा नहीं, तो वो लोग फिनांस न्यू इन्वेस्टमेंट डेट के साथ करने से कतराएंगे, जबकि अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शनरी टैक्स लो विल रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम व्हिच विल लोअर द एवरेज टैक्स रेट एंड अल्टीमेटली मिनिमाइज द टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। तो कंपनी हैव टू पे टैक्स फर्स्ट ऑन अर्न प्रॉफिट एंड सेकेंडली व्हेन इट डिक्लेयर डिविडेंड। तो कंपनी को दो बार पे करना पड़ता है ना, एक बार तो प्रॉफिट पे आप टैक्स पे करते हो और फिर जब डिविडेंड पे करते हो तो फिर उस पर भी पे करते हो। इसको क्या बोलते हो आप लोग, क्या डबल टैक्सेशन नहीं है? अब आप ही बताओ ना, देखो ध्यान से सोचो, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा आप काट चुके, टैक्स तो आप ऑलरेडी उस पर लगा चुके हो, जो भी हो 30% 40%, तो टैक्स तो आप पहले ही लगा चुके हो, तो अब जो प्रॉफिट आया है वो टैक्स को तो बियर करने के बाद ही आया है ना, तो उसके बाद अब कंपनी जब सीडीटी पे करेगी तो आपको नहीं लगता कि सीडीटी, आप तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पे में सब सीडीटी बांटते हो, अब उस सीडीटी पे फिर से टैक्स लगता है, तो ये क्या है, ये डबल टैक्सेशन नहीं है? तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ना, ये 101% ये डबल टैक्सेशन है, और दूसरी तरफ इसका कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता है, एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता है, तो कंपनी कैसे डिसीजन लेगी? तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार क्या किया गया, सीडीटी को हटा दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि हटाने कंपनी के पार्ट से हटाने के बावजूद भी डबल टैक्सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट ना बहुत गेम खेलती है। अब देखो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया कैसे जाता है, अरे आप लोग सीडीटी पे टैक्स नहीं लेके कंपनी पे क्या एहसान कर रहे हो, टैक्स तो पहले ही आप चार्ज कर रहे हो, तो टैक्स तो पहले भी आपको सीडीटी तो लेना ही नहीं चाहिए था ना। सीडीटी जो आप लोग ले रहे थे वो तो पहले भी आप लोग अन्याय ही तो कर रहे थे डबल टैक्सेशन लेकर के, तो अब उसको छोड़ के कौन सा आप लोगों ने न्याय कर दिया, क्या नया काम कर दिया आप लोगों ने? दूसरी तरफ अब इन्वेस्टर के हाथ में, अब वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा जब उसको पता है कि उसका डिविडेंड टैक्सेबल होगा, और जबकि जो डिविडेंड उसको मिल रहा है वो डिविडेंड इनकम भी तो टैक्स का बर्डन ऑलरेडी बियर कर ही चुका है ना कंपनी के हाथ में, डिविडेंड भी अब वो तो टैक्स का बर्डन के बाद ही तो आप पे कर रहे हो, तो ये क्यों उनके हाथ में टैक्सेबल करवा रहे हो? डबल टैक्सेबिलिटी, बेकार का गेम खेलते हो आप लोग यार, हद है। चलो द कंपनी अप टू पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ऑन द डिक्लेयर डिविडेंड। हालांकि अब ये जा चुका है, इन टैक्स लो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डिडक्शन टैक्स इंसेंटिव अवेलेबल टू कॉर्पोरेट विच नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, वाइल लोकल ज्यूरिडिक्शन सच एज स्टेट, इनका भी तो रोल होगा, मे ऑल्सो प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव फॉर बिजनेस, कंट्री वाइड इंसेंटिव आर मोस्ट वाइडली अप्लीकेबल एंड आर ब्रॉडली ऑर्गेनाइज इन टू फोर कैटेगरी, लोकेशन बेस्ड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड एक्सपोर्ट लिंक एंड एक्टिविटी बेस्ड। तो इंसेंटिव आर ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इन एरिया सच एज शिपिंग, ऑयल एंड गैस सर्विस, एयरक्राफ्ट एंड पावर इंडस्ट्री इटीसी। ठीक है, अब देखो टैक्स इंसेंटिव फॉर सेज, देखो टैक्स इंसेंटिव फॉर सेज, सेज क्या होता है बता दो, बता दो टैक्स सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये क्या है मेनली? अब इसको डाला ही क्यों है यहां पे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चीज बता करके जान ले लो बच्चों का क्या फायदा है, टैक्स में तो पढ़ाते ही हो, क्या कर सकते डला तो हमें तो कर। देखो तो सेज क्या होता है, आपको पता है ना गवर्नमेंट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिटरमाइन करती है, तो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जानते हो क्या होता है, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी एक्टिविटी आप करोगे ना, जो भी एक्टिविटी करोगे वो टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री का मतलब, लेकिन हाँ स्पेशल जो भी, देखो पता क्या होता है, जो भी इंपोर्ट करोगे ना आप लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसका रिफंड मिल जाता है, उसका तो रिफंड मिलता है, और प्लस में जो आप एक्सपोर्ट करोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जब कोई भी सामान आप बेचोगे ना बाहर, उसको एक्सपोर्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया में बेचोगे, डोमेस्टिक टेरिटोरिया में बेचोगे तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए स्पेशल इकोनॉमिक हैज बीन सेट अप थ्रू आउट द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर एंड ऑक्यूपायर ऑफ सेज एंड जो है सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडे एंड कंसेशन डेटर वर्थ एक्सपोर्टिंग एंड स्लाइजिंग ऑपरेशन इन इंडिया, ऑल्दो दे मे बी फेस्ड आउट अंडर द डायरेक्ट टैक्स कोड फॉर सेज डेटर ऑपरेशनलाइज आफ्टर 31 मार्च 2020।
अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड कब आता है, अगर आ जाए तो मजा ही आ जाए। प्रेजेंटली यूनिट इन सेज एंजॉय 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। तो इसमें क्या होता है, पहले 5 साल तक आपको 100% का टैक्स बेनिफिट मिलता है, नेक्स्ट 5 ईयर में 50% मिलता है, और फिर अगले 5 साल में आपको 50% और मिल जाता है। ठीक है, तो अदर बेनिफिट इंक्लूड, अब इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को क्या बताऊं, टैक्स पढ़ोगे तो वहां डिटेल में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अदर बेनिफिट इंक्लूड अ रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय यूनिट एंड डेवलपर ऑफ सेज, इजी रिफंड प्रोसीजर ऑफ इनपुट जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इफ एनी एंड मिनिमल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड रिटर्न फिलिंग प्रोसीजर एंड रिटर्न फिलिंग प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, यहां भी कुछ कंसेशन दिया जाता है। तो देखो, यूनिट इन सेज ऑल्सो रिसीव एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, वैट एग्जम्पशन और रिफंड एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन। कंडीशन क्या होता है सेज का, टू अवेल इंसेंटिव द फर्म मस्ट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ सेज इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। एंड कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ऑफ सेज मस्ट बी एंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है, एंड मस्ट नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड नॉट बी फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग प्रीवियसली ओन्ड प्लांट एंड मशीनरी टू द सेज यूनिट। तो नॉट टू बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग अ प्रीवियसली ओन्ड प्लांट एंड मशीनरी टू द सेज यूनिट, ठीक है दोस्तों, तो यह है कंडीशन फॉर सेज यूनिट। टैक्स इंसेंटिव इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट इन इंडिया, तो टैक्स इंसेंटिव इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट इन इंडिया। देखिए, बिजनेसेस सेटिंग अप अंडर, तो ये पता है क्या, हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में यहां पे ना कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आप अपना यूनिट सेटअप करोगे ना तो कुछ पीरियड तक आपको 100% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और कहीं कहीं पे तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी जबरदस्त फायदा, 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो देखो, बिजनेस सेटिंग अप अंडर टेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एनीवेयर इन द नोटिफाइड रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल फॉर स्पेशल टैक्स बेनिफिट। द नोटिफाइड रीजन क्या है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा इन हिमालयन स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तो इसमें भूल ही गए, बिहार भी शामिल है। फिर देखो, रिडक्शन ऑफ 100% ऑफ बिजनेस प्रॉफिट फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर इज परमिटेड फॉर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग गुड या प्रोड्यूसिंग एलिजिबल सर्विसेज, जो भी नोटिफाई की गई है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो उसको यहाँ पर लगाया जाएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कुछ 11th शेड्यूल की गुड्स नहीं होनी चाहिए। 11th शेड्यूल क्या होता है, ये ड्रग्स वाली चीजें होती हैं। फर्दर रिफंड इज अवेलेबल ऑन एक्साइज ड्यूटी पेएबल ऑन स्पेसिफाइड वैल्यूएशन ऑफ 10 consecutive years, यानी कि रिफंड आपको मिल जाएगा एक्साइज ड्यूटी जो भी पे करोगे। रिफंड इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू पान मसाला, यही है आपके 11th शेड्यूल वाले, पेटल लीफ, प्लास्टिक कैरी बैग ऑफ लेस देन 20 माइक्रोन और गुड प्रोड्यूस बाय पेट्रोलियम एंड गैस रिफाइन। देखो, सर्विस सेक्टर एलिजिबल फॉर बेनिफिट इंक्लूड होटल 2 स्टार एंड अबव, नर्सिंग होम 25 बेड्स और मोर एंड ओल्ड एज होम, ओकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर दी होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड फूड क्राफ्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सिविल एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग, फैशन डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप, जो स्टार्टअप लोग हैं उनको भी काफी फायदा दिया गया है, एक स्पेसिफिक सेक्शन आया हुआ है सेक्शन 80IAC, जहां पे 7 सालों तक, 7 साल के पीरियड में आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। उसके बाद इसी के लिए सेक्शन 79B भी आया है, जहां पे अगर कोई बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका शेयर होल्डिंग कम होता है, तो भी आपको सेटअप कैरी फॉरवर्ड का भी फायदा आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये कुछ टैक्स इंसेंटिव हैं। देखिए, तो स्ट्रेथन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री प्रोवाइड सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट ऑफर सेवरल टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप अंडर द
नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी तो बेनिफिट इंक्लूड टैक्स हॉलीडे फॉर ए पीरियड ऑफ 7 प्रीवियस ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर द स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्रूवल टू सेट अप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड कैपिटल गेन इन केस ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सेक्शन 79B है ध्यान रखिएगा एज ए फॉर्म ऑफ फर्दर रिलीफ द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड एग्जेम्पशन फ्रॉम एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस इन 2012 अंडर दिस फंड फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर फैमिली एंड फ्रेंड डोमेस्टिक फंड डेट आर नॉट रजिस्टर्ड एज वेंचर कैपिटल फंड और फंड विच आर रेज फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म सेटअप फॉर दी वेरी पर्पज ऑफ बैकिंग सच वेंचर विल नॉट बी टैक्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन टू स्टार्टअप फर्म तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा स्टार्टअप फर्म के ऊपर ठीक है आगे देखिए एंड एलिजिबल स्टार्टअप अंडर नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी कंपनी डेट होल्ड एलिजिबल बिजनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम दी इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन तो ये नाम लो आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोगों के जो एमसीक्यू होगा उसके लिए ये थोड़ा रेलिवेंट होगा नहीं है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो देखो लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों देखो द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड ओनर आफ्टर 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल 2021 ठीक है एडिशनली टोटल नंबर ऑफ कंपनी का जो शेयर होना चाहिए कितना होना चाहिए 255 मिलियन इतना नहीं होना चाहिए इन एनी प्रीवियस ईयर बिगिनिंग ओनर आफ्टर 1 2016 एंड एंडिंग ऑन March 31, 2022 250 करोड़ है ना ठीक है टैक्स इंसेंटिव फॉर न्यू कंपनी तो न्यू कंपनी के लिए क्या है तो न्यू कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा दिया गया अभी देख रहे हो ना आप लोग टैक्स रेट घटा करके कितना कर दिया गया 25% तो फॉर न्यूली सेटअप इंडियन कंपनी का गवर्नमेंट एज अनाउंस डिस्काउंटेड सीआईटी रेट ऑफ 25% प्लस एडिशनल सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस द कंपनी में अवेल लेकिन कब करेगा कंपनी अवेल देखो एक तो ये कि कंपनी रजिस्टर एंड सेटअप हो 1 मार्च 2016 के बाद एंड कंपनी हैज नॉट क्लेम्ड ए बेनिफिट फॉर एस्टेब्लिशिंग इट्स नेट इन सेज कंपनी ने लेकिन सेज में इसका बेनिफिट ना लिया हो एंड डेप्रिसिएशन का एडिशनल डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन कंपनी ने छोड़ दिया हो एंड कंपनी ने साथ साथ सेट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड भी ना लिया हो है ना तब जाकर के उसको 25% का फायदा दिया जाएगा क्या फायदा पर फायदा देने का जब सारा एग्जेम्पशन आप लोग मारी दोगे फिर देखो फिनांसिंग कोस्ट एस्केलेशन तो देखो फिनांसिंग कोस्ट स्केल कब होगा समझ रहे हो ये डिपेंड करेगा ना आपके इकोनॉमी पे तो देखो क्या कहता है कोस्ट एस्केलेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन प्रोजेक्ट कोस्ट फॉर मेनी रीजन तो जब कोस्ट स्केल होगा तो जानते हो ना आपका प्रोजेक्ट कोस्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा जैसे कि इंक्रीज होगा जैसे डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन कॉर्पोरेट परचेसिंग ठीक है तो फिनांसिंग कोस्ट एस्केलेशन विल डिपेंड अपॉन द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एज टू हाउ द प्रोजेक्ट कोस्ट हैज ओरिजिनली बीन फिनांस एंड देयर मे बी टू डिफरेंट एस्पेक्ट टू ट्रीट द फिनांसिंग ऑफ कोस्ट एस्केलेशन एज डिस्कस बिलो तो क्या है बता दो पहला फर्स्टली फिनांसिंग कोस्ट एस्केलेशन इन द केस व्हेन द प्रोजेक्ट इज न्यू एंड फिनांस बाय ओनर फंड ओनली इन सच केस द रेज ऑफ इक्विटी इज कॉस्टली ठीक है ना समझ गया ना अगर खाली ओनर ही फंडिंग करेगा तो क्या होगा सोचो इक्विटी कॉस्ट हाई हो जाएगा तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कुड बी प्लांट एंड दिस कॉस्ट बी मेड आउट एंड देयर मे बी अनदर सिचुएशन ऑन द कंपनी इज एग्जिस्टिंग कंपनी एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय इंटरनल फंड इन दिस केस द कंपनी कैन कैपिटलाइज इट्स रिजर्व एंड सरप्लस तो यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर लो इन द सेकेंड सिचुएशन वेयर द कंपनी इज बीन यूजिंग बोरोइंग सम तो यहां पे आप लोग क्या करोगे बोरो करोगे इन रिसेंट इक्विटी कैपिटल ऑफ फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट इट कैन ऑलवेज मेक रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फंड टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन टू मीट कॉस्ट एस्केलेशन ओवर लो ओवर रन इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट तो इन केस द कॉस्ट एस्केलेशन इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द कंपनी विल हैव टू गो टू रेज फंड फ्रॉम इक्विटी होल्डर
besides raising loan from institutions so as to maintain the debt equity ratio in the existing balance and planned promotion. है ना दोस्तों, ये सब बातें आती हैं मेजर, आप लोग इसको पता ही होगा आप लोगों को। इसके साथ दोस्तों ये अपना चैप्टर जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस का कंप्लीट होता है। आने वाले अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आप लोग मेरे बात को ध्यान रखना, देख लेना, पक्का बता रहा हूँ 5 से 6 मार्क्स का इसमें से आना ही आना है। आप इसको टाल ही नहीं सकते दोस्तों, आना ही आना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से लास्ट अटेम्प्ट में केवल 1 मार्क्स का पेपर है, इसलिए पर आप लोग थोड़ा सावधानी बरतिएगा। चलिए फिर इसके साथ ये लेक्चर अपना दोस्तों कंप्लीट होता है। और आप लोग स्टे हेल्दी रहें, स्टे सेफ रहें। और इसी तरीके से दोस्तों आप देखिए, ये तो कंप्लीट हो ही गया आपका। अब इसके बाद अब मैं कल जो लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं देने जाऊंगा आप लोगों को, वो सिक्योरिटी एनालिसिस का लेक्चर मैं दे देता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस का भी लेक्चर आपको देना शुरू करूँगा। और इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसका ऐसे ही आप लोगों को मैं नोट्स बना के दे दूँगा, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा उसको हम लोग सीधे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन में उसका सोल्व हम लोग करेंगे। इस तरीके से हम लोग दोस्तों इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आप लोगों को मिल ही गया होगा, इसके थ्रू आराम से आप लोग अपना पढ़ते रहें, है ना। चलिए फिर, तो आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ इस लेक्चर को अपलोड करने, आप लोग कल मॉर्निंग में इसको देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी चैप्टर को आप लोग हल्के में मत लें। चलिए फिर मैं रखता हूँ, बाय। और एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए।